गुड मॉर्निंग प्रिय शिक्षार्थियों, माई सेल्फ अनुराग शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर योग, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज। प्रिय शिक्षार्थियों, पिछले कई विगत लेक्चर हमने महर्षि पतंजलि योग सूत्र पे दिए हुए हैं। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अपने पतंजलि योग सूत्र के प्रथम पाद जो समाधि पाद है उससे अगले सूत्र से हम लोग आज यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 1.1 से लेके 1.25 मतलब कि 25 सूत्रों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज शिक्षार्थियों उसके आगे से हम शुरुआत करेंगे। तो 26वां सूत्र हमारा क्या कहता है पतंजलि योग सूत्र का, पूर्वे सामपि गुरु काले नान वच्छे दात। इसका मतलब क्या है, जो ईश्वर है, इसके पहले हमने ईश्वर की जो परिभाषा पढ़ी थी उसके आगे है ये सूत्र। तो वह ईश्वर क्या है, जो गुरु हैं, पूर्व के जितने भी प्रत्याशी होते आए हैं हम यहाँ देख सकते हैं, उन गुरुओं का भी गुरु है। तो ईश्वर को किस रूप में देखा गया, ईश्वर को एक तरह से गुरु माना गया है। तो गुरु से भी जो बढ़ के है, उन गुरुओं का भी जो गुरु रहा है, जो अतीत में गुरु होते आए हैं और जो भविष्य में होंगे, उनका भी जो गुरु है वो है ईश्वर। काले नान वच्छेदात, इसका अर्थ क्या हुआ, तो यह स्पष्ट है काल से उसका अवच्छेद नहीं है, वह अकाल पुरुष है। अर्थात ईश्वर क्या है, अकाल पुरुष, उसका कभी काल नहीं आता है, वह काल से अवच्छेदन उसका नहीं होता, उससे बढ़ के है। आगे बढ़ते हैं, सृष्टि में अनंत गुरु हुए हैं, उनमें प्रवाहित गुरुत्व यही है। तो गुरुत्व यहाँ पे महर्षि कहना क्या चाहते हैं, तो यही बताना चाहते हैं जो गुरु है वो सदैव रहे हैं और आने वाले समय में रहेंगे। तो ईश्वर क्या है, गुरुओं का भी गुरु है। तो ईश्वर की परिभाषा यहाँ पे दी गई थी, उसके आगे हम इसको देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को गीता में गुरु गरियान कहा गया, गुरु गरियान, गुरुओं का भी परम गुरु। इसका अर्थ क्या हुआ, गुरुओं का भी परम गुरु है। उस ईश्वर को कैसे प्रकार बुलाते हैं, महर्षि पतंजलि को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे उन्होंने ईश्वर की परिभाषा तो दी है, साथ ही हम उसको जानेंगे कैसे, उसको बुलाएंगे कैसे, उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को यहाँ पे आगे उन्होंने सूत्र दिया है, तस्य वाचिक प्रणव। तो ईश्वर को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वह ईश्वर काल से अवच्छेद नहीं होता है, वह गुरुओं का भी गुरु है, वह अकाल पुरुष है। ये तमाम विशेषताएँ उन्होंने ईश्वर की दिया है। फिर उन्होंने क्या कहा, उसको कैसे आप पुकारेंगे, तो तस्य वाचिक प्रणव, उसको प्रणव या ओमकार जिसको हम कहते हैं, प्रणव का अर्थात ओमकार, ओमकार से हम उसको बुलाते हैं। उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव अथवा ओमकार है। यहाँ स्पष्ट होता है महर्षि पतंजलि किसी साधक को ईश्वर की विशेषता बताते हैं, फिर ईश्वर को किस नाम से उसको पुकारेंगे, तो उसको उन्होंने स्पष्ट किया है प्रणव। गीता में देखिए, जब गीता में जाते हैं तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत् और सत, यह तीन उस परब्रह्म परमात्मा का निर्देश करते हैं, स्मृति दिलाते हैं। तो गीता में भी इसी ओम तत् और सत की बात की गई, यहाँ महर्षि पतंजलि ने भी इसी ओम का वर्णन किया। आगे देखेंगे, इसी ओम के द्वारा यज्ञ वेद गीता में कहा गया और ब्राह्मण रचे गए। ओम इत्यक्षरम ब्रह्म, ठीक है ना, ओम अर्थात ओम क्या है, ब्रह्म का परिचायक शब्द है, बहुत स्पष्ट हुआ। तो ओम को महर्षि पतंजलि ने किससे डिनोट किया है, तो ईश्वर से डिनोट किया है। उस ईश्वर को हम किस नाम से पुकारेंगे, ओम के नाम से पुकारेंगे। गीता में भी भगवान कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान दिया उन्होंने भी ओम का उच्चारण दिया। प्रिय शिक्षार्थियों, जब हम गीता का अध्ययन करते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि और गीता को जब देखते हैं, दोनों योग के ग्रंथ हैं, दोनों में योग की ही बातें की गई,
तो महर्षि पतंजलि यहाँ पे ओम की बात कर रहे हैं, गीता में भी ओम की बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण को जब देखते हैं तो उन्होंने गीता में 7 बार ओम का नाम लिया है। ओम इत्येकाक्षरम, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, इस शब्द को याद रखेंगे, ये बहुत ही जरूरी शब्द है कि ओम क्या है, ब्रह्म का प्रचायक शब्द है। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, तस्वाचक प्रणव, प्रणव क्या है, प्रणव ही उसी ओम को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ भी ओम प्रणव कहिए, ओम कहिए, या जिस नाम से पुकारेंगे आप, वो सभी क्या है, उसी ब्रह्म के या उसी ईश्वर के परिचायक शब्द से इसको जाना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, फिर महर्षि कहते हैं करना क्या है, तो तज पस्त दर्थ भावनम, अर्थात उस ओम का जप और उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर का ध्यान, ईश्वर प्रणिधान है। अर्थात जब हमको इतनी जानकारी हो गई कि उस ईश्वर को किस नाम से पुकारा जाता है, तो महर्षि ने उस योग की प्राप्ति के लिए यहाँ पे कौन सा साधन बताया, तो उस तज पस्त दर्थ भावना, उस ओम का जप करिए, उसकी भावना करिए, ठीक है ना, उसी को आप समझिए, उसी को करते करते आपको वो साधन मिल जाएगा जिससे आपको समाधि तक की अवस्था तय की जाती है। सारी अष्टांग योग है उसका वर्णन का जो अंतिम लक्ष्य है समाधि, वहाँ तक पहुँचने का एक माध्यम ये भी है। और भी तमाम माध्यम है, हठ योग है, लय योग है, तमाम उस तरह के साधन है, तो एक साधन ये भी है। फिर महर्षि कहते हैं पहले बताया गया कि अभ्यास दीर्घ काल तक बिना उकताए चित्त से आदर पूर्वक निरंतर करना चाहिए, यह नहीं बताया गया कि अभ्यास किसका किया जाए। तो जब हम महर्षि पतंजलि के इसी पाद में हमने एक जगह पढ़ा था, दीर्घ काल तो निरंतर सत्कार सेवितो तो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक अभ्यास करने पे वो दृढ़ हो जाते। तो कैसा अभ्यास करना है, तो यहाँ पे अब जाके महर्षि ने क्लियर किया है कि अभ्यास क्या किया जाए। तो यहाँ महर्षि ने स्पष्ट किया है कि ओम का जप करें और उसके अर्थ स्वरूप उन परमेश्वर का ध्यान करें, उनके प्रति श्रद्धा स्थिर करें। तो यहाँ पे अभी माध्यम या साधन जो था उसको यहाँ पे स्पष्ट किया गया महर्षि पतंजलि ने, अपने कौन से सूत्र में किया है, 28वें। तो शिक्षार्थियों, ये महर्षि पतंजलि ने योग जो विद्या है उसको पूरी तरह निचोड़ के रख दिया है। एक तरह से हमने पतंजलि योग सूत्र को पहले से ही उसमें कहा था कि ये गीता है हमारी, योग के विद्यार्थियों शिक्षार्थियों के लिए हमारी गीता क्या है, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट किया उन्होंने, उस ओम का जप करें, उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें और उससे ही वो योग की प्राप्ति हो। आगे क्या करना है, अभ्यास की विधि बता दिया उन्होंने। ईश्वर को हमने देखा नहीं तो चिंतन, यहाँ पे देखिए एक प्रश्न उठा कि जब हम ईश्वर को देखे नहीं तो चिंतन कैसे करें और श्रद्धा कैसे हो। तो महर्षि कहते हैं पहले ध्यान श्रद्धा से ही होता है, क्रमशः ईश्वर का बोध करा देता है। तो ध्यान करने से, श्रद्धा करने से ध्यान होने लगेगा, उस ओम का ही ध्यान करिए, ओम का ही जप करिए, तो वही करते करते, अभ्यास करते करते वह ईश्वर का बोध करा देता है कि सद्गुरु कौन है। अब यहाँ देखिए फिर से वही सद्गुरु आ गए। तो अभी हमने बताया गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार सद्गुरु और ईश्वर में कहीं कोई भेद नहीं, ध्यान सद्गुरु का ही किया जाता है। सद्गुरु अव्यक्त ईश्वर स्वरूप है, मानव तन के आधार वाले हैं। अब फिर इसकी पुष्टि कहाँ होती है, इस बात को जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि उसका ध्यान करिए, उसका जप करिए, उसके प्रति श्रद्धा स्थिर करिए, तो इसकी पूर्ति, इस बात को बल कहाँ से मिलता है, तो अपना एक अभी हमने कहा योग ग्रंथ एक और है गीता, गीता में 9वां अध्याय 11वां श्लोक में है, योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ, किंतु क्या हूँ, मनुष्य के शरीर के आधार वाला हूँ। यहाँ देखिए स्पष्ट लिख रहा है, मनुष्य शरीर के आधार वाला हूँ। तो गीता में भी भगवान कृष्ण अपने आप को किस आधार वाला बता रहे हैं, मनुष्य के शरीर के आधार वाला हूँ। और यहाँ पे महर्षि क्या कहते हैं, तो श्रद्धा स्थिर कैसे होगी, तो सदगुरु, सदगुरु भी क्या है, शरीर वाला है, हाथ पैर वाला है, तो
जाप करते करते, ध्यान करते करते, उस योग विधि में लगते लगते वह सदगुरु मिल जाता है जिसके प्रति आपको श्रद्धा स्थिर कर दे। उसकी बल की पुष्टि यहाँ पे योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि हम उसी आधार वाले हैं, मनुष्य के शरीर के आधार वाले हैं। तो गुरु या सदगुरु या ईश्वर क्या है? एक मनुष्य के शरीर के आधार वाले बात। इसी को हमने बाबा तुलसी जब रामचरितमानस में इसी को हमें लग रहा बल दिया है उन्होंने कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यहाँ पे बाबा तुलसी रामचरितमानस को भी हम कह सकते हैं योग ग्रंथ है। अंत में उन्होंने भी उस ईश्वर मार्ग के प्रति चलने की विधा बताई है उसमें, ठीक है ना। वहाँ पे भी भगवान शिव के आदेशानुसार या उनकी मार्गदर्शन में बाबा तुलसी ने रामचरितमानस की रचना किया। अंत में वो कहते भी हैं तो वहाँ भी योग की ही प्राप्ति है, योग का ही बात किया गया। जैसे यहाँ पे गीता में कहा गया, योग दर्शन में किया गया, तो उसी योग को यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने किया है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है, रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने किया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करना, यही सद्गुरु का स्वरूप है। जब सद्गुरु का परिचय मिल जाएगा तब ध्यान और स्पष्ट हो जाएगा। तो जब हम अभी तो हमने गुरु को देखा नहीं, सद्गुरु को नहीं देखा, तो लेकिन महर्षि पतंजलि ने बता दिया कि उस ओम का जप करें, उसका भावना करें, उसके प्रति श्रद्धा स्थिर करें। तो उससे क्या हुआ, हमें उस ध्यान को करते करते वो सद्गुरु मिल जाता है। फिर उस ध्यान को सद्गुरु मिलने के बाद वो स्पष्ट हो जाता है। क्या कहा, ध्यान और स्पष्ट हो जाएगा, इस बात को गीता में भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर ने कहा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे एक बात स्पष्ट करना है कि वह ईश्वर का निवास और ईश्वर प्राप्ति का उपाय क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण के गीता में ही 18वें अध्याय के 61वें सूत्र में या श्लोक में उन्होंने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। वह ईश्वर क्या है, सभी के हृदय में स्थिर है। अर्जुन को उन्होंने बताते हुए कहा है 18वें अध्याय में 61वां श्लोक, स्पष्ट कहा है भगवान ने को ईश्वर कहाँ पे है, तो सबके हृदय में है अर्जुन, वहीं पे निवास स्थान उसका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अर्जुन वह ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब इतना समीप है तो लोग उसे देख क्यों नहीं पाते हैं, प्रश्न उठता है कि जब वो हृदय में आपके इतने समीप है तो वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, फिर लोग देख नहीं पाते। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भ्रम वश भटकते रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते। इसका उत्तर क्या है, तो माया रूपी जो यंत्र है या माया का जो इतना प्रभाव है, इसके कारण वो हृदय में वो जो ईश्वर विराजमान वो दिखाई नहीं पड़ता, वो अभ्यास नहीं हो पा रहा है उस ओम का जप करने पे, या और जो प्रक्रिया है साधन जो भी योग की प्राप्ति में है उसका अभ्यास नहीं हो पा रहा है, जिस कारण हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो शरण किसकी जाए, अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं। तो क्या तरीका क्या है, कैसे इसको प्राप्ति होगी, तो अगले श्लोक में गीता में कहा गया है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कौन सा सूत्र है, 18वें, अगला ही सूत्र है, 18वां अध्याय का 62वां श्लोक। अभी हमने ईश्वर की निवास स्थान की जानकारी प्राप्त किया गीता के अनुसार, 18वें अध्याय के 61वें सूत्र में बताया कि वो ईश्वर कहाँ है, कि हृदय देश से अर्जुन तिष्ठति। फिर यहाँ पे क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वह ईश्वर कहाँ प्राप्त होगा, तो क्या क्या है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन, तो शरण किसकी जाए, तो उस ईश्वर की शरण में जाएं और उसकी प्रसाद के द्वारा आपको शांति, आपको परम शांति और आपका स्थान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, अर्जुन उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाओ, संपूर्ण भाव से जाओ, पूरी भाव से जाओ, थोड़ा भाव किसी अन्य देवता में, थोड़ा भूत भवानी यक्ष राक्षस आदि में, उसकी श्रद्धा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो पूरी तरीके से उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाने पर ही उसी परम से योग की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम यहाँ योग की विद्या सीख रहे हैं, तो ये योग का ही ग्रंथ है। तो और योग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं
कि पूरी श्रद्धा और पूरी भाव से जब तक नहीं जाएंगे तो योग की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि पूर्णतः पूर्ण समर्पण, या एक शब्द गीता में ही मिलता है अनन्य भाव से। अनन्य मतलब क्या होता है कि अन्य किसी के प्रति श्रद्धा और वो न रखते हुए ही वो योग की प्राप्ति होगी। और करना क्या है तो हृदय में स्थित जो ईश्वर है उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा और भाव से उसकी शरण में चले जाइए। आगे बढ़ते हैं। हृदय स्थित ईश्वर को हमने देखा नहीं, उसकी शरण में जाएं कैसे, ठीक है ना। अब यहाँ फिर एक प्रश्न उठता है कि वो हृदय में स्थित जो ईश्वर है उसको तो हमने देखा नहीं, तो शरण में जाएं कैसे, उसकी विधि क्या है। अगले ही श्लोक में करते हैं अर्जुन, इससे भी अति गोपनीय रहस्य, ये क्या है, एक तरह से रहस्य है, उसको सुना। और उस गीता के माध्यम से हम सभी को वो रहस्य जानने को मिलता है। कहते हैं क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरुम मामे वश्यसि सत्य ते प्रति जाने पियो अश्मि में। क्या है अर्थ, अर्जुन मुझ में मन को लगा, मुझे नमस्कार कर, मेरा अनन्य भक्त हो, मैं सत्य कहता हूँ तो मुझ में निवास करे। तो क्या करना है, अभी मैंने जो एक शब्द बोला अनन्य श्रद्धा अनन्य भाव से, जब उस सद्गुरु या उस ईश्वर की शरण में जाएंगे तब वो क्या हो गई, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो प्राप्ति कैसे हो गई, तो वो उसके हृदय में या उसके स्वरूप में हमारा निवास स्थान, तब प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं। सर्वधर्मा, फिर करना क्या है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीत योग ग्रंथ गीता में एक बहुत बड़ा वो किया है, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मां शुचः। बहुत ही अच्छा है, अर्जुन संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दो, ठीक है, एकमात्र मेरी शरण में हो जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। कितने बड़ी बात यहाँ पे योगेश्वर ने कहा है कि पूर्णतः पूर्ण समर्पण, सभी धर्मों का परित्याग, सभी रूढ़ियों का, जितनी भी आपके मन में विकार हैं सबको परित्याग करो, एक तरफ रखो और संपूर्ण भाव से मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो उसका अर्थ क्या हो, पापों से मुक्त कर देना क्या है, हमने तो पाप देखा नहीं, तो क्या कहते हैं, मुझ में निवास करेगा। इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, तू मुझ में निवास करेगा और मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। एक तरह से वो क्या करते हैं, जो हमारा योग का ग्रंथ है जो कहता है कि आप योग की प्राप्ति में उस परम तत्व के जैसी विभूतियों शक्तियों और ईश्वर से युक्त हो जाते हैं, वही यहाँ पे ये बात आई है। यहाँ श्री कृष्ण क्या कहते हैं, उस योग की जब प्राप्ति कर लोगे तो मुझ जैसी मेरी स्थिति को प्राप्त कर लोगे, स्पष्ट रूप से यहाँ पे भगवान ने इस बात को बोला। फिर क्या कहते हैं, पहले दो श्लोकों में बताया कि हृदय ईश्वर का निवास हृदय में है, उसकी शरण में जाओ। अगले ही श्लोक में कहते नहीं, सारे धर्मों की चिंता को छोड़ केवल मेरी शरण में आओ। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करिए, सब रूढ़ियों सब धर्मों सबको छोड़ के उनकी शरण में आ जाइए। और प्रिय शिक्षार्थियों, आशा है आपका ये आज का जो क्लास है आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।